तो दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है, साल का आखिरी महीना है और इस समय पर आप भी अपने लिए एक बेस्ट फोन परचेज करना चाहते हैं अंडर 12,000 तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो 12,000 के प्राइस पॉइंट पर भी आपको काफी सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी में पांच जो सबसे अच्छे स्मार्टफोन थे, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन थे, उन्हीं स्मार्टफोन को हमने पिक किया है इस लिस्ट के अंदर। ये पांच स्मार्टफोन अलग अलग यूजर्स को टारगेट करती है, तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन स्मार्टफोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा। और रिसेंटली कुछ नए स्मार्टफोन भी ऐड हुए हैं, तो हमने उन स्मार्टफोन को भी इस लिस्ट के अंदर रखा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में है और अपने लिए एक बेस्ट एंड तगड़ा सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जहां तक मैंने रिसर्च और एनालाइज किया है, 13,000 के प्राइस पॉइंट पर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिलते हैं एज कम्पेयर टू 12,000 प्राइस पॉइंट। खैर दोस्तों, हमने इन पांच स्मार्टफोन को ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्राइस के बेसिस पर रैंकिंग किया है, तो हम शुरू करने वाले हैं नंबर 1 से और लास्ट में हम नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस स्मार्टफोन भी है जो कि काफी जबरदस्त है, तो उस स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट कीजिएगा, काफी तगड़ा सा स्मार्टफोन है। शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा है अपने इंडियन ब्रांड के तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को। हाँ, मानता हूँ ये फोन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी भी देखो ना, 11,000 के प्राइस पॉइंट पे शायद से ही कोई और फोन इस फोन को कम्पीट कर सकता है, स्टिल वर्थफुल है 11,000 के प्राइस पॉइंट पे। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, 8.9 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 196 ग्राम वेट दिया गया है, तो ओवरऑल डिजाइन वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिल जाता है। और बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, किसी भी तरह का एड्स, ब्लॉटवेयर और स्किन नहीं मिलेंगे आपको, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10, लेकिन टेंशन मत लो, एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल जाएगा आपको। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है, क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 48 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 5 MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, साथ में ही दो और कैमरे देखने को मिल जाएंगे आपको 2-2 MP के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 60 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, बाकी और भी बहुत सारे कैमरा मोड देखने को मिल जाते हैं। और इस फोन का हमने कंप्लीट कैमरा रिव्यू कर रखा है, तो आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो एक बार चेकअप जरूर कर लेना। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो 6.67 inches की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 450 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो ओलियोफोबी की कोटिंग लगाई गई है जो कि एक प्रोटेक्शन होता है, तो डिस्प्ले के मामले में भी अच्छा फोन है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक G85 का चिपसेट जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, 12nm पर बना हुआ है, 2 lakh के आसपास अंतर स्कोर देखने को मिल जाती है और इस प्राइस रेंज पे मोस्टली स्मार्टफोन में आपको यही चिपसेट मिलेंगे और नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है ये चिपसेट। इसमें आपको सिंगल बॉटम फायर स्पीकर मिल जाएंगे जो कि ठीक ठाक साउंड प्रोवाइड कर देगा आपको। प्राइस की बात करोगे तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,999 रुपये पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी मिल जाएगा 4128 जिसके लिए आपको 11,999 रुपये पे करने होंगे। हालांकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना जब भी बाय करो। तो इस फोन को अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा जिनको एड्स वगैरह से दिक्कत रहती है, अनवांटेड नोटिफिकेशन जिनको पसंद नहीं है, उनके लिए फोन बेस्ट होने वाला है क्योंकि ये फोन क्लीन यूआई के साथ आता है, 48 MP का क्वाड रियर कैमरा भी है और सबसे बड़ी बात इंडियन कंपनी है, तो चेकअप कर सकते हो। डेफिनेटली 11,000 के प्राइस पॉइंट पे अच्छा फोन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 2 पर हमने रखा है इन्फिनिक्स हॉट 11S को। जानते हैं इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो डिजाइन वगैरह देख सकते हो, काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, ग्रेडियंट मैट फिनिशिंग के साथ आता है, तो डिजाइन अच्छा मिल जाता है। 8.8 mm की थिकनेस दी गई है, मतलब ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं होगा ना ज्यादा पतला होगा एंड 205 ग्राम वेट भी है, तो स्लाइटली थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको।
हालांकि रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिसके वजह से इस फोन का लुक थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, बट स्टिल काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 7.6, तो पहले के मुकाबले XOX क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी सारे प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। बाकी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, अप टू 256 GB तक का SD कार्ड लगा पाएंगे। चलिए जानते हैं इस फोन में कैमरा सेटअप कैसा देखने को मिलता है। ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 MP का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है, और थर्ड कैमरा AI लेंस दिया गया है। बाकी क्वाड LED फ्लैश देखने को मिलेगा। फ्रंट में 8 MP का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोनों ही कैमरे में काफी सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बोके वीडियो रिकॉर्ड, टाइम स्लैप, स्लो मोशन और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में आपको MediaTek G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी और 2 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी देखने को मिल जाती है। तो 11000 के नीचे G88 इकलौता ऐसा प्रोसेसर है जो कि इस फोन में हमें देखने को मिलता है, तो नो डाउट परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर Redmi 10 Prime में भी दिया गया है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। T2X1 का ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले पर, तो ओवरऑल डिस्प्ले से भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी, काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, हालांकि स्टीरियो स्पीकर नहीं है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,499 रुपए पे करने होंगे। ये फोन फिलहाल एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है 464 वाला। तो दोस्तों अगर आपको 10.5 या फिर 10,000 के आसपास एक बेस्ट एंड तगड़ा सा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है। और नंबर 3 पर हमने रखा है टेक्नो पोवा 2 को। इस फोन का बिग हाइलाइटिंग फीचर ये है कि इस फोन में आपको 7000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ में 6.9 इंचेस की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। क्या कुछ इसमें आपको मिल जाता है, क्या कमी है इसके अंदर, चलिए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन में भी आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, बाकी 3 कलर ऑप्शन में आते हैं तो डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि 238 ग्राम वेट के साथ आता है, मतलब ये फोन आपको डेफिनेटली हैवी फील होने वाला है। बाकी इस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन iOS 7.6। इस फोन में भी आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं, बट उसे आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस फोन में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर साइड में। प्राइमरी सेंसर 48 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 MP का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है, और थर्ड कैमरा भी 2 MP का देखने को मिलेगा जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है, और फोर्थ कैमरा AI लेंस दिया गया है। हालांकि 4 कैमरे के साथ आता है, लेकिन इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में 8 MP का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी टाइम स्लैप, स्लो मोशन, SDR, नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, तो कैमरा से इस फोन में भी आपको किसी भी तरह का शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। इमेजेस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग काफी शार्प देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है तो काफी सही बात हो जाती है। 7000 मिली एम्पीयर की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं इस फोन को फुल चार्ज होने में। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा। नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, और 480 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। स्पेशली ये फोन उन यूजर्स के लिए जो लोग ज्यादा कंटेंट कंजप्शन करते हैं, मीडिया कंजप्शन ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये फोन बेस्ट रहने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में भी MediaTek G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि अगेन एक गेमिंग चिपसेट है बेस्ड ऑन 12nm। इसके साथ ही टेक्नो की तरफ से ET गेम इंजन देखने को मिल जाता है, बेसिकली ये गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, तो गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 11,999 रुपए पे करने होंगे। तो अगर आपको बड़ी सी बैटरी वाला फोन चाहिए जिसमें बड़ी सी डिस्प्ले भी हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो इस फोन में डेडिकेटेड स्पीकर नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण स्पीकर आउटपुट बहुत ही ज्यादा लो है, और ये फोन भारी और साइज में बड़ा सा है, तो इन बातों
बातों को आपको ध्यान रखना होगा इस फोन को परचेज करने से पहले। और नंबर 4 पर हमने रखा है Redmi 10 Prime को। अब ये भी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 12,000, हालांकि 12,500 के आसपास ये फोन आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ऑफर वगैरह चलते रहते हैं तो 12,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इस फोन में भी हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करेंगे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, तो नो डाउट डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है। हालांकि प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिल जाएगा, बट गज डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, देख सकते हो काफी प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ में ही 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो स्मूथनेस वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ब्रांड न्यू MediaTek G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बनी हुई है, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये प्रोसेसर G85 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो नो डाउट G88 का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ में ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 memory card लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। रियर साइड में प्राइमरी सेंसर 50 megapixel का दिया गया है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेकेंड कैमरा 8 megapixel का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है। और 2 और सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जो कि 2 megapixel के दिए गए हैं, बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में पंच होल के साथ 8 megapixel का कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन MIUI 12.5। लेकिन गाइज इस फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। बैटरी के बारे में बात करें तो 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी, एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18 वाट का चार्जर दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, बाकी IP52 की रेटिंग के साथ आता है, मतलब थोड़ा बहुत ये फोन वाटरप्रूफ भी है। प्राइस की बात करोगे तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 12,499 रुपए पे करने होंगे, और इसका भी दूसरा वेरियंट आपको मिल जाएगा 6128, जिसके लिए आपको 14,499 रुपए पे करने होंगे। मेरे हिसाब से बेस वेरियंट वाला ज्यादा अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर हम इस फोन को समराइज करें एक लाइन के अंदर, तो ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा जिनको बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर 50 megapixel का कोर रियर कैमरा चाहिए, साथ में 90 हर्ट्ज वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले भी चाहिए विद पंच होल कटआउट के साथ, या फिर जिनको Redmi पर ही ट्रस्ट है, तो ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 5 पर हमने रखा है रिसेंटली लॉन्च हुआ है Moto G31 को। अब इस फोन का प्राइस वैसे 13,000 के अराउंड है, लेकिन बैंक ऑफर वगैरह मिला दोगे तो 12,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, और इस प्राइस के हिसाब से ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। शुरू करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो डिजाइन वगैरह देख सकते हो अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। 8.5 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 180 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा भारी भी नहीं है, ठीक ठाक वेट और इन हैंड फीलिंग के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, एंड उसी को चार्ज करने के लिए 20 वाट का चार्जर दिया गया है, तो बैटरी बैकअप से इशू नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोन नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे ये होता है कि बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम हो जाती है, किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर स्किन और एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि अदर्स कंपनी के स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इसमें आपको क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 memory card लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फोन का जो बिग हाइलाइटिंग फीचर है वो है इस फोन का डिस्प्ले। इसमें हमें 6.47 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 60 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अप टू 700 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर यूजर्स में या फिर इंडोर यूजर्स में डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 megapixel का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 megapixel का मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 megapixel का देखने को मिलेगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। फ्रंट में पंच होल के साथ 13 megapixel का कैमरा दिया गया है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, तो कैमरा के मामले में ये फोन भी डिसेंट है प्राइस के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट Redmi Note 11T से तो अच्छा ही कैमरा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें हमें MediaTek G85 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक 4G चिपसेट है। 2 lakh के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है ये प्रोसेसर।
तो डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं मिलेगी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इन केस अगर आप गेमिंग पर्पज से फोन परचेज करना चाहते हैं तो इस फोन को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं प्राइस कितनी है। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपए पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी मिल जाता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 15,000 रुपए पे करने होंगे। तो मेरे ख्याल से 15,000 में इस फोन को आप कंसीडर मत करना, क्योंकि 15,000 के नीचे काफी तगड़े स्मार्टफोन है इसके अलावा भी। इन केस अगर आपका बजट 12 से 13,000 के बीच में ही है और आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए विद पंच होल कटआउट, तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो। 13,000 के प्राइस पॉइंट पे इकलौता ऐसा फोन है जो कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो लोग थोड़े बहुत गेम खेल लेते हैं या फिर वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है। तो अब बारी है दोस्तों एक बोनस स्मार्टफोन की। तो बोनस में हमने आपके लिए रखा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन फ्रॉम सैमसंग अंडर ₹13,000। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F22। 12,500 से 13,000 में ये फोन आपको मिल जाएगा। और इस प्राइस के हिसाब से अगर आपको 90Hz वाला एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 6000mAh की बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर 48MP का क्वाड रियर कैमरा चाहिए, और आपको इस फोन में सैमसंग पे का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली वन UI पर तो आता ही है। खैर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आपको इस फोन के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हो under 15,000 वाला, जिसमें मैंने सैमसंग के कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया है। तो अगर आपको 12 से 13,000 के बीच में सैमसंग की तरफ से या फिर एक नॉन चाइनीज बेस्ट फोन चाहिए तो इस समय पर यही एक अच्छा सा स्मार्टफोन है। तो बस दोस्तों यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन under 12,000। बाकी मैंने आपको बोनस स्मार्टफोन भी बता दिया है, और अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।